श्री पद्मावती कमल निवास वेंकटेश अभयहस्त शंख चक्रधर श्रीनिवास वैकुंठ निलय कामित वरधात सप्तगिरीश श्री श्रीनिवास वृषभ गिरीन्द्र नमो नमः नमो नमः। कृष्णपादाय नमः। धर्म संस्थापन कुरुक्षेत्र रणक्षेत्र आचार्य जी, गुरु साम्राज्य के लोगों का स्वागत करते हुए सभी उपस्थित योद्धाओं का शक्ति प्रदर्शन प्रारंभ कीजिए। सुयोधन, शक्ति प्रदर्शन के वीक्षण हेतु आए समस्त लोगों का तथा अपने बंधुजनों का अभिनंदन करो। हे मेरी प्रजाजन, आप सभी को सौशील्य, सौलभ्य, वात्सल्य, गांभीर्य, औदार्य, धैर्य, स्थैर्य, पराक्रमी, सत्यकाम, सत्य संकल्प आदि गुणों से सुसज्जित शूरवीर गदाधर ये सुयोधन सार्वभौम की शुभकामनाएं। धर्मराज, देव स्वरूप प्रजाजन को इस धर्मराज का प्रणाम। शक्ति प्रदर्शन की शुरुआत गदा युद्ध प्रवीण कुशल भीम और सुयोधन के रंग प्रवेश से हो। वंदे गुरुवर।
अश्वत्थामा। सुयोधन, भीम, रुक जाओ दोनों। इस युद्ध में दोनों असाधारण रहे, संबल रहे, अद्वितीय, अपराजेय। प्रबल धनुर्विद्या विशारद अर्जुन। भूमंडल में नहीं कोई इसके जैसा वीर धनुर्धर, मेरा प्रिय शिष्य अर्जुन अपराजेय। धनुर्विद्या में अर्जुन जैसा शूर वीर धनुर्धर सप्त सागर के इधर या उधर कोई नहीं है, नहीं है, नहीं है। है गुरुवर। वंश से है आया छात्र तेज दम्य ये, आभा जिसकी है अलौ की, परिचय जिसका भिन्न है। चले तो घन घना घन घना घन गंभीर है, सकल गुण भरा युद्ध कला सौंदर्य में चरित्र में है ये, एकमात्र विजय विक्रम। गुरुवर, धनुर्विद्या स्पर्धा में इस अर्जुन से जीतने का रण कौशल है मुझ में। अर्जुन का तुम सामना करोगे? क्षत्रिय वीर को चुनौती देने वाले, नाम क्या है तुम्हारा? कर्ण। किसकी संतान हो? बोलो। सकल विद्या पारंगत पंडितों के सम्मुख पूजनीय माता पिता को स्मरण करूं ये धर्म है। राधेय सूत हूं मैं, अधिरथ कुमार। एवं कुल? सूत कुल। सूत कुल संतान, तुम यहाँ खड़े रहने के योग्य नहीं हो। कहाँ सुक्षत्रिय संजात अर्जुन एवं जाति नीत से नीच सूत कुल पुत्र तुम। युद्ध हेतु आवश्यक है तुम्हारा उच्च कुल में जन्म। ये अग्रसेन राज्यवंश का महोत्सव है, तक्षण चले जाओ या तो फिर अवमानना का दंड पाने को तैयार रहो। रुको वीर। इस सभा में एक सामान्य प्रजा, शूर वीर हूं मैं, धनुर्विद्या विशारद हूं मैं, बताकर हमें ललकार रहा छाती ठोक के। तो ऐसे वीर को जाति विजाति वर्ग वर्ण कुल के नाम पर अपमानित करना हमारे वंश की कीर्ति नहीं अब कीर्ति है सोचता हूं मैं। ऐसे वीर की बातों को ना सुनकर उपेक्षा करूं समझदारी नहीं। गुरुवर, जानकारी नहीं थी मुझे, आपसे ज्ञात हुआ इसके कुल के बारे में। वैसे कुल कुल का नाम जपने वालों, अपने कुल का इतिहास क्यों भूलते हो? आचार्य जी, हमारे वंश का मूल पुरुष कौन है? वशिष्ठ जी। उनकी जननी देव वैश्या थी उर्वशी। तो वैश्या पुत्र हुए वशिष्ठ ने ब्याह रचाया किसके साथ? पंचम जाति कन्या अरुंधति से। किंतु
अपना कुल उत्तम हुआ, उदात्त हुआ, उन्नत हुआ कुल, हाँ? हाँ पितामह, अपने वंशज पराशर जी ने अंबिका कन्या के साथ प्रणय संलाप करके अपने पूज्य पितामह व्यास महर्षि को जन्म दिया है ना? वही व्यास देव जी अपने ही अंतःपुर की दासी के साथ सरस संलाप करके हाँ श्री 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 विदुर महाशय जी को इस जगत में ले आए। सुयोधन, गुरुपुत्र जी, श्रीमान अश्वत्थामा जी, आपके पिता श्री द्रोणाचार्य ने जन्म कहाँ लिया? द्रोण में। आपका कौन सा कुल? द्रोण कुल। हमारा जन्म मिट्टी की मटकी में हुआ तो हमारा कौन सा कुल? मिट्टी का कुल। ऐसे ही कहते रहे तो कुल पुराण बन जाएगी हमारी कहानी। अब कोई कहे इस कर्ण का कौन सा कुल है? इसका अर्जुन के साथ धनुर्विद्या का द्वंद्व युद्ध क्यों उचित नहीं? सुयोधन, ऋषि मूल एवं नदी मूल के बारे में बात करने का हम लोगों को ज्ञान नहीं है, परंतु ये समस्या कुल का मात्र नहीं है। राज्य हो, राजाधिपत्य हो, जिसके पास वो ही इस प्रदर्शन में भाग लेने के योग्य है। अच्छा, तो योग्यता का निर्णय राजाधिपत्य से है। वीर, सभासदों के समक्ष दिखाया तुम्हारा अदम्य साहस व धैर्य मुझे अच्छा लगा। तुम्हारा कुल नहीं जानना मुझे, तुम्हारे धनुर्विद्या प्रदर्शन को देखा, तुम्हारा गोत्र नहीं जानना मुझे। तुम जैसा धैर्यवान मुझ जैसे सम्राट के साथ हो, मेरे लिए यही श्रेयस है। दुशासन, अनर्ग रत्नों से सुसज्जित मुकुट लेकर आओ तुम। हाँ, सहोदर दुर्मार, हाँ, मोती रत्न हीरे आभूषण से अलंकृत किया सिंहासन शीघ्र लेकर आओ तुम। पुरजनों, भागीरथी तीर्थ जल लाइए। वाद्य वादकों, मंगल वाद्यों को बजाइए। राज कवियों, अंगराज चक्रवर्ती के गुणगान में कविता रच कर गाइए। सुनो कन्याओं, सुगंधित पुष्प रस से कस्तूरी तिलक बनाओ। उपस्थित गुरुजनों, सभासदों, प्रजाजनों के समक्ष इस कर्ण पर लगे नीच कुल के कलंक को धोकर महाराजा इसे बना रहा हूं। सार्वभौम सुयोधन, यदि सारे शरीर का रक्त निचोड़कर भी मैं आपके कमल चरणों को धोऊं, तो भी इस ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। किसी के आगे सर ना झुकाने वाला ये राधेय सुयोधन के आगे नतमस्तक है। आपके सर्व समता भाव के दासों का दास हो गया हूं मैं। ये कर्ण अपने रक्त की हर बूंद आपके यश की रक्षा में, आपके सार्वभौमत्व की रक्षा में न्योछावर कर देगा। श्वास रहने तक आपका विश्वासी श्रेय अभिलाषी बना रहूंगा। इन सभी सामंत पंडितों के सामने, समस्त प्रजा के सम्मुख ये कर्ण वचन देता है। मित्र, अप्रतिम वीर कर्ण के नाम केवल अंगराज्य का सिंहासन ही नहीं, सुयोधन हृदय सिंहासन देकर मित्रता स्वीकारता है। अमरासन की जय, अमरासन की जय, अमरासन की जय।
महाराज आप आज्ञा दीजिए। धृतराष्ट्र महाराज, आपके सहोदर के पुत्र को, राजनीति के कुशल वीर धर्मराज को, इस विशाल कुरु महासाम्राज्य का युवराज बनाने हेतु इस सभा अध्यक्ष के नाते मैं प्रतिपादन करता हूं। पितामह, मैं इस प्रतिपादन को अस्वीकार करता हूं। पांडव पक्षपात वाली बुद्धि की निंदा करता हूं। राजनीति कुशल वीर मैं, प्रजापालन निपुण मैं, शत्रुओं पे भयंकर बनकर कुरु साम्राज्य की सर्वदा रक्षा करने वाला साहसी योद्धा, युवराज हूं, राजा हूं, राजा धीराज हूं, हां हूं, और किसी को ना मैं होने दूंगा और ना कोई होगा। अरे ओ सुयोधन, ज्येष्ठ गुरुओं की आज्ञा सुनना सीख लो। तुम्हारा चरित्र हम क्या नहीं जानते? एक माता पिता ने ऐसे ऊंचे चरित्र वाले हमें नीति सिखाओगे? तुम्हारा चरित्र क्या सामान्य प्रतीत होता है? विधवा के जने हुए सुत हो ना तुम सब। कौरव क्या विधवा के जने हुए पुत्र हैं? सुयोधन शांत हो जाओ। तुम्हारी माता गांधारी देवी विवाह के पूर्व ही विधवा हो गई थी, हमारी माता श्री कहती थी। तुम्हारी माता श्री अंधी हो गई हैं। तुम्हारे दादा गांधार नरेश ने तुम्हारी माता के होठों को बंद कर दिया है। उनसे ही जाकर जान लो अपने जन्म के इतिहास का छुपा हुआ रहस्य। विधवा पुत्रों तुम लोग सुयोधन। रोको इसे, सबको कारागार में बंद कर दो। पौत्र, ये क्या तुम्हें का एक क्यों गगन से बिजली जैसे हम पर कौंध पड़े हो? नाना जी संग ये परिहास तो नहीं है ना? इसे परिहास मत समझो नाना, सच कहो। कौरव जननी विवाह के पूर्व ही विधवा कैसे हो गई? कहो कहो। कहता हूं गांधारी से विवाह करने वाला मर जाएगा, ऐसा जातक दोष था। इसीलिए पहले एक बकरे से विवाह करा के उस बकरे को मार कर गांधारी को विधवा बनाकर तत्पश्चात तेरे पिता से मैंने उसका विवाह। कुटिल नीच, मेरी माता का बकरे से विवाह करवा के हमारे वंश को अप्रतिष्ठ करने वाला तुम्हारा वंश भी निर्वंश होना चाहिए, और वो भी विचित्र विधि से। ये तुम्हारे नीच कृत्य का मेरे द्वारा दिया प्रतिफल है।
स्वाभिमान से जीवन यापन करने वाले कौन? हम निष्कलंक चरित्र वाले, अपने ही धर्म पर चलने वाले ऐसे कुरु कुमार वंश पे कालिख पोतने वाले आपको मेरी ओर से दंड। किंतु ये वो दंड नहीं, धर्म सूत्र है। मृत्यु असंभव होकर, जीना दुष्कर होकर, तुम सबको हर दिन एक एक दाना खाकर मनोव्यथा सहन कर नाश होना चाहिए। ये पाताल गुह तुम्हारे लिए मृत्यु कूप ही बन जाए। रुको, मत छुओ। हर दिन एक दाना खाने या ना खाने से मृत्यु अटल है। ऐसे सारे नाश होने से उस एक निवाला अन्न को किसी एक को खिलाकर उसे बचाकर हम सबका जीव त्याग ही उचित है। इस तरह बचाओ व्यक्ति हम सबके प्रतिकार की ज्वाला को लेकर उस कुरुवंश को निर्वंश करने वाला अप्रतिम हो कोई। वो अप्रतिम हमारे गांधार कुमारों से चातुर्य है ये शकुनी। शकुनी, सांसों की डोर के छूटने के इस समय गांधार राज के प्रतिशोध के लिए एक वचन दो तुम। अंदर की मानवता जलाकर राख कर दो। इस तन के शव का मांस भक्षण कर और मेरी मेरु के हड्डियों से बना के पासे उस कुरु वंश को निर्वंश करके इस गांधार राज के प्रतिशोध को तुम पूर्ण करोगे। वचन दो, वचन दो, वचन दो। प्रतिशोध, प्रतिशोध। ये रखे ईर्ष्याग्नि, कुटिल कुतंत्र द्वेषाग्नि, यह शकुनी।
कालकुट विश्व भरी सर्पाग्नि, आक्रोश रोष दर्पाग्नि, यह है शकुनी। पितृ देवो भव। एक तीन अब दो तीन। पितृ देवो भव। विश्रांत विस्तार यशो विशाल विराजित भूमंडल में कीर्ति प्रताप से प्रसिद्ध नित्य सस्य श्यामल चारों दिशाओं से मृग खग से भरा सहस्त्र गांवों से विस्तारित इस गांधार देश के सत सहोदर अनुज शकुनी नाम का ये मनुज निष्काम निष्पक्ष निडर होकर सतत सुमधुर संगीत साहित्य का उत्सव मनाने वाला बुद्धिजीवियों की स्वर्ण भूमि इस गांधार देश का युवराज शकुनी। इस क्षण से कुटिल कुत्सित कुबुद्धि से कुरुकुल संहार का क्रूर कार्य करके आपके वचन का हर क्षण पालन करके अखंड भूमंडलाधीश मानने वाला बलिष्ठ दुर्योधन का अहंकार नष्ट कर दूंगा। सत्य 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 प्रमाणित करूंगा वचन। पितृदेवो भव। शकुनी इस सुयोधन के प्रतिकार की ज्वाला से ना जलकर बचा हुआ कीड़ा। अकेला तू इस पराक्रमी सुयोधन का जीवंत शव शकुनी क्या बिगाड़ लेगा भला। मुक्त किया तुझे, जीवन दान दिया तुझे, जा जी ले तू। आज से गांधार देश का राजा तू, किंतु हर क्षण रहे का तास ही तू। राज्य संभालूं ऐसी आशाएं छोड़ दी, हृदय से निकाल दिया। उत्तम। दुशासन, हाग्रज, मामा श्री को राज सत्कार के साथ ले आओ। कलिंग देश की राजकुमारी भानुमती देवी का स्वयंवर आह्वान पत्र है, किंतु अपनों की पक्षपात बुद्धि तथा कुंती कुमारों के कपट ने मेरे मन को तनाव से भर दिया है। इस तनाव से भरे हुए मन को उल्लास देने हेतु ही भानुमती का स्वयंवर रचा जा रहा है। सुयोधन जैसे राज्य श्रेष्ठ के लिए ही बनी है वधु ये राजकुमारी। भान जी, नवग्रह का गणित भी यही कह रहा है, राशि गणकूट जातक फल भी भानुमती देवी के साथ तुम्हारी जोड़ी दर्शाती है। उत्तम मामा, आप तो केवल नाम के ही हो मामा। हमें पाणी ग्रहण कराने वाले मामा कलिंग देश में प्रतीक्षारत हैं। अवश्यम भावी। चलो भांजी। उपस्थित राजाधिराज, हमारी सुपुत्री भानुमती, सुगुना, सुकोमल, सौंदर्य की रानी। दर्पण दिखाकर चंद्र को इस चंद्र का परिचय दे रहे हैं। भानुमती के रूप लावण्य का शब्दों में वर्णन करना असंभव है।
हमारी सुपुत्री स्वेच्छा से वरमाला जिस राजश्रेष्ठ के गले में डालेगी वही उसका पति होगा। भानुमती, सुयोधन, ये अत्याचार है तुम्हारा। यहाँ उपस्थित राजश्रेष्ठों के लिए ये देखकर चुप बैठना कठिन है। चुप बैठना ही पड़ेगा महाराज। यहाँ सुयोधन सार्वभौम का अंगरक्षक खड़ा है, कर्ण। पांडवों का राजसूय यज्ञ, कौरवों का स्वागत करने हेतु हमें आह्वान लिख भेजा है उन्होंने। कौन होते हैं ये पांडव? ये हमारे चाचा पांडुराज पुत्र हैं, ये मैं कैसे स्वीकार कर लो? यम धर्मराज ने जना धर्मराज को, इंद्र ने जना अर्जुन को, वायु ने जना भीम को, ऐसी है ये कुंती देवी। बचे दोनों भाई नकुल एवं सहदेव को माद्री ने अश्विनी देवताओं से जना है। ये मर्यादाहीन लोग एक चक्रपुर राज्य में भिक्षा टन कर जीवन यापन कर रहे थे। उस द्रौपदी से पांचों ने मर्यादा विहीन होकर पाणी ग्रहण कर लिया। हमारे पिता श्री की करुणा दया से मिले हुए इंद्रप्रस्थ पे राज कर रहे हैं। राजसूय यज्ञ उनका आह्वान हमें भेजा, हम कदापि नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं बोलते ना ही किसी से पूछते, चलना ही पड़ेगा। नहीं जाने से ये यज्ञ रुक जाएगा क्या सुयोधन? अग्रज मना रहे राजसूय यज्ञ में ईर्ष्यावश सुयोधन नहीं विराजे, बारंबार ऐसी निंदा करेंगे सारे प्रजाजन। इसलिए जाना ही होगा भांजे। ये विवेकहीन पांडवों ने नया सभा या माया सभा जैसा कुछ निर्माण किया है, उसे देखना चाहिए भांजे। उनके बल को परखना है तुम्हें, तत्पश्चात बल का प्रयोग करना है तुम्हें। उत्तम मामा, उत्तम। अनुज भीम। हाँ अग्रज। कुरु सार्वभौम को माया सभा अतिथि गृह में ले जाओ। जो आज्ञा। महारानी द्रौपदी, हाँ? माया सभा वीक्षण हेतु तो कुरुकुल युवराज सुयोधन पधारे हैं। सुयोधन, हुँ? अंदर प्रवेश करो।
समुचित सत्कार स्वीकार कर संतृप्त होकर ये कुरु युवराज के आगमन से संभावन संपूज्य भूषण ये सभा भवन भी धन्य धन्य हो गया। अद्भुत अकुंठित निर्माण चतुराई से करने वाले ओ माया ब्रह्मा, ये शिल्प चातुर्य न ब्रह्मा जी का है ना ही विश्व ब्रह्मा जी का ही, नहीं नहीं किंतु उन पांडव हत्यारों को ये भव्य भवन कैसे प्राप्त हुआ? हम जैसे राजाओं का अपमान है, ये असहनीय है मुझे। पहले यहां से बाहर तो निकलूं। महल के मध्य अति सुंदर जलधारा, ये तो शास्त्र विज्ञान ही प्रतीत होता है। अद्भुत। यहां कोई है तो नहीं? मेरे इस अपमान को किसी ने देखा तो नहीं ना? इन पांडवों ने इस माया सभा का निर्माण ही हमारे अपमान हेतु कपट से किया हुआ प्रतीत होता है। इस माया सभा से निकलने का द्वार किधर है? अंधे का पुत्र अंधा। पांचाली, अंधे का पुत्र अंधा। अंधे का पुत्र अंधा। पांचाली, पांच पतियों वाली, ऐसा तो साहस, इतना अहंकार। ज्येष्ठ भ्राता पांडवों का हूं मैं, मेरे साथ परिहास। पांचों भाइयों के साथ एक एक कर शयन में जाने वाली लज्जाहीन नारी, इस राजाधिराज राज मार्तंड राज गंभीर सुयोधन का उपहास किया पांचाली। जैसे हाथी कुत्ते का भौंकना सहता है, वैसे मैं भी सह लूं? हाँ, जितना विस्मरण की चेष्टा करूं, जितना संयम बरतूं,
उस नारी की उन्मत्त अट्टहास ध्वनि मेरे कर्ण पटल को दहाड़ मार कर भेज रही है। अगणित गम्य गोचर अद्वितीय राजकीय योजनाओं को सुलभता से हल करने वाला ये धुरंधर युवराज आमंत्रित होते ही शकुनी मामा की बात पे आकर इंद्रप्रस्थ क्यों गया? माया मर्म समन्वित पांडवों के माया सभा में पदार्पण क्यों मैंने किया? उसी तुर्मुहूर्त में आकर तुर्मति ये द्रुपद पुत्री दुरहंकारी करके तूने उपहास मेरा भूल कर दी। सह नहीं सकता, नहीं सह सकता। चार समुद्र सतह के धरणी पालक को अब आत्माहुति ही शांति देगी। रण ही समाधान, पांचाली पराभव ही ध्येय। सभा विध्वंस हमारा कर्तव्य है, पांडव विनाश ही हमारा ध्येय। मित्र, जनसंहार का आदेश दो। विलय तांडव मचाकर पांडवों का शीश धड़ से उतारकर पांचाली को घसीटकर आपके चरणों की दासी बना दूंगा। ऐसे भांजे का हुआ सघन अपमान की अग्नि बुझ जाएगी, उसके अंदर दहकती प्रतिशोध की ज्वाला क्या ठंडी हो जाएगी? उस पांचाली द्वारा किया अपमान आकाश सा, उसके प्रति अग्नि में जो कह रहे हो तुम अनुसा, ब्रह्मांड में आज तक किसी ने ना किया अपमान, इस पतिव्रता की करूंगा भांजे। उसके पाप कार्यों का मैं इन पुण्य पासों से प्रतिशोध लूंगा। द्यूत के बहाने पांडवों को हस्तिनापुर आने का न्योता दूंगा। इसके पश्चात चलने वाले विलय विलास में तुम सबको स्वर्ण पटल पर दिखाऊंगा। पितृ देवो भव। महाराज, सहोदरों के मध्य ये द्यूत का आयोजन उचित नहीं, ऐसा मेरा अभिप्राय है। सत्य है महाराज, सात व्यसनों में ये भी एक है। पुत्र जनों की इच्छा मनोरंजन का है, ये तो खेल ही है मात्र। दांव बताओ धर्मराज। पहला दांव द्यूत की हमारे प्रिय सहोदर सुयोधन ही बोले। रत्न सुसज्जित ये कड़ा दांव मेरा और मेरा ये नौ रत्नहार। एक और एक, एक और एक। पांडव और कौरव एक ही हैं, ऐसा हृदय रखता है सुयोधन। आरंभ करो। उत्तम, जीत हुई धर्मराज की। अभूतपूर्व रीत निर्मित माया सभा दाव मेरा। मोती रत्न पन्ना हीरा प्रवाल वैडूर्य मुक्ता माणिक्य आदि धन कनक भंडार दाव है मेरा। दो और तीन। पितृदेवो भव। पुनः जीत हुई धर्मराज की। मेरे द्वारा संचालित अखंड साम्राज्य मेरा दांव, तुम्हारा शासित इंद्रप्रस्थ तुम्हारा दांव, ठीक है ना? ठीक है। तीन और तीन। जीत हमारी हुई। तुम्हारा राज्य अब हमारा हुआ। हमारा हुआ। तुम्हारा राज्य अब हमारा हुआ। तुम्हारा राज्य अब हमारा।
तुमसे जीता इंद्रप्रस्थ, अब मेरा दांव। इंद्रप्रस्थ सार्वभौम, ये व्यंग क्यों? अब दांव में लगाने के लिए तो केवल 5 भाई ही हैं बचे। महाबली महायोद्धा, निरंतर भ्रात सेवा में तत्पर, विनयशील भीम अर्जुन, नकुल और सहदेव दांव मेरा। दो और तीन, पितृदेवो भव। जीत हुई सुयोधन की। जीत हमारी हुई। मेरी माता की अवहेलना करने वाला ये भीमसेन अब से मेरा दास है। हाँ मित्र, शूरवीर भयंकर वन दहाड़ने वाला अर्जुन इस क्षण से कौरवों का चरण दास है। धर्मराज, बोलो तुम्हारा अगला दांव। स्वयं को मैं दांव पर लगाता हूं। एक और दो। पुनः जीत हमारी। जीत हमारी हुई। 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 अति उत्तम सुयोधन। उठा सिर अभिमानियों का, अब शर्म से नीचे गड़ा है। धर्मराज, तुम्हारे पास जीतने का एक अवसर और है। इन पांडवों की कहानी समाप्त हुई। आतुरता क्यों दुशासन, धैर्य रखो धैर्य। उनके पास दांव लगाने हेतु अनमोल एक वस्तु है। मामा श्री। हाँ हाँ धर्मराज, तुम्हारे पास जीतने का अवसर है। राज्य धन अनुजों को हार चुके, किंतु अर्धांगिनी है अभी तुम्हारे पास। अद्भुत मामाश्री। ऐ दास। महाराज, इनका अप्रासंगिक द्युत क्रीड़ा देख प्रलय का पूर्वाभास हो रहा है। तब पांचाली से कर ग्रहण करके तुम लोग राजा बने, आज पांचाली को दांव पे लगाकर पुनः तुम लोग राजा बन सकते हो। सारी संपत्ति तुम पुनः प्राप्त कर सकते हो, तथा सहोदरों सहित दास से विमुक्त भी हो सकते हो। ठीक है, हमारी सहधर्मिणी द्रौपदी को दांव पर लगाता हूं। तीन और तीन। उत्तम ममुरा। जीत हमारी हुई। जय जय सुयोधन। उत्तम मामा, उत्तम। इतिहास में आपका चातुर्य चिरस्मरणीय होगा। वचन पूर्ण करने का संपूर्ण श्रेय आपको। पितृदेवो भव। अंधे का पुत्र अंधा। पांचाली, पांच पतियों वाली। प्रतिगामी। जी उराज। उस घमंडी पांचाली को
इस सभा में। जो आज्ञा युवराज। धर्मराज इस साम्राज्य एवं भाइयों को द्यूत में रखकर हारे होंगे। हाँ, मैं धर्मराज की पत्नी हूँ, साथ ही भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की पत्नी हूँ मैं। इस तरह से मुझे दांव पे लगाने का पांडव अग्रज को अधिकार नहीं। द्यूत क्रीड़ा केवल विलास के लिए है, विपरीत के लिए नहीं। ये सब तो मैं नहीं जानती हूँ। सुयोधन युवराज ने आपको लाने हेतु हमें भेजा है। धर्मराज स्वयं को हार कर मुझे हारे हैं या मुझे हार कर स्वयं को? जाओ पूछ कर आओ। जैसी आपकी आज्ञा। दुशासन। हाँ अग्रज। केश खींच कर लाओ उसे। ऐसा गुरुकुल ने भी नहीं सिखाया होगा जो पाठ उसे ये सुयोधन सिखाएगा। सुयोधन, अग्नि गर्भ संजात उस परम पावनी द्रौपदी को ऐसे खींच कर लाना अधर्म है। प्रतिकार के लिए महासाध्वी का यूं अपमान करना न्यायोचित नहीं है सुयोधन। गुरुवर और कुरुवर, क्या है अन्याय और क्या है अधर्म? मेरे मित्र सुयोधन का जीतना या धर्मराज का पत्नी को दांव में लगा के हार जाना, क्या है? उत्तम, अति उत्तम मित्र। कर्ण पटल में छिद्र होने वाला प्रश्न किया। धर्म अधर्म के संदर्भ में अज्ञानी हूं मैं। हाँ, ये इन सबका अभिप्राय है। गुरुदेव, उचित अनुचित का ज्ञान था मुझे, इसीलिए स्वयं नहीं खेला, मामा श्री को खिलवाया। यह आपको ज्ञात नहीं हुआ क्या? पितामह, सहोदरों सह पत्नी को लगा दिया दांव पे और हार गए उन्हें, ऐसा इतिहास में कभी हुआ है क्या? यह अधर्म है। तब आपको ज्ञात नहीं हुआ? कैसे ज्ञात होगा इन्हें अग्रज? ये सब हमारे पक्ष के तो हैं, किंतु इनकी पक्षपात बुद्धि तो उन पांडवों के पक्ष की है। इनकी बुद्धि के विध्वंस होने का दृश्य दिखाता हूं इन्हें। दुशासन, उस पांचाली को केश पकड़कर खींच लाओ यहां। क्यों सारे मौन हो? सभा सदन में सभी मौन व्रत धारण किए बैठे हैं क्या? गुरु श्रेष्ठ जनों, विद्वान जनों, विज्ञानियों, वेद वेदांत विद्या पारंगत, बल पराक्रम संपन्न सभी इस सभा में इस तरह नारी का हो रहा शोषण देखकर भी चुपचाप शीश झुकाए बैठे हैं, क्यों? क्यों? समस्त सृष्टि के आधार जननी नारी का आप आदरणीय ऐसा गौरव सम्मान देते हो? दिग्दिशांत विश्रांत, यशो विराजित, सक्षत्रिय भयंकर योद्धा, पांडवों की पटरानी हूँ मैं। थी वो तब, अब तुम केवल मेरे भांजे की दासी हो। धर्मराज अपने साम्राज्य सर्वस्व को द्यूत क्रीड़ा में हार चुके हैं। स्वयं को हारे, अपने भाइयों को हारे और तुम्हें भी। धर्मराज स्वयं को हार कर मुझे हारे या मुझे हार कर स्वयं को? ये तुम्हारे धर्म संवेदना का व्याख्यान करना संभव नहीं है। इस जगत में
निगल ना पाए कोई ऐसा कड़वा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एकमात्र धर्मराज ही दे सकते हैं। उत्तर चाहिए पांचाली धर्मराज से? नहीं नहीं, पांचों पति तुम्हारे शर्म से सर झुकाए बैठे, देखो इन्हें। ये माया द्यूत है, यहां विराजे धर्मिष्ठों को इसका संज्ञान है। देख लिया पांचाली, उस दिन माया सभा में मुझे अंधे का पुत्र अंधा कहकर खिल खिलाकर हंसी थी ना? आज इस महासभा में उपस्थित सारे सभाजन तुम्हें देखकर ठहाके लगा रहे हैं। इस क्षण के लिए अति व्याकुल था मैं। इस क्षण से तुम इस राजाधिराज की दासी हो। तुम्हारा स्थान मेरी ये जंघा है। अरे ओ माया द्यूत विजयी मदोन्मत दुर्योधन, द्रौपदी को अपनी जंघा पर बिठाने का निर्देश दिया ना तूने, इसका प्रतिशोध तुमसे अवश्य लूंगा। दास की प्रतिज्ञा। शांत हो जाओ। दुशासन आदेश। पांचाली के केश पकड़कर खींच लाओ। पांचाली, अग्रज के जंघा की शोभा बढ़ाओ, जाओ। दुष्ट दुशासन, तूने भरी सभा में द्रौपदी देवी को केश खींच कर लाया है ना? तेरी तो मैं छाती चीर दूंगा। ओहो, ये तो दूसरी प्रतिज्ञा है। अरे ओ मिथ्या प्रतिज्ञा वीर, पांडवों की प्रतिष्ठा का पाताल संस्कार दृश्य अब सब देखेंगे। दुशासन आदेश। इसके वस्त्र हर लो। ये कैसी विडंबना है? कुरुकुल के आदरणीय, यही अंब के कुल चरित्र है। महामहिम गुरुवर है, यही आपके संस्कार है। सभ्यता का चीर हरे, कैसा है वंश कुरु, सहभागी हुए जड़वत पुरुषत्व पंगु भय। आ जा है पुरुषोत्तम, हे मेरे पुरुषोत्तम, आके दुख हरिए द्वारिके, सुनिए ये अबला की विनती बारंबार है। प्रभु ध्यान धरिए, अपमान हरिए, आंखों से अश्रु के बहे धार है। धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च, कह के धरे हाथ जो आज न मेरे साथ वो, देहन हो रहा धर्मा। करुणा करे श्री कृष्ण हरे, करुणा करो कहाँ हो छुपे, आचल पसार कहो कर जोर विनती करो, रक्षा करो कष्ट हरो, अब तो प्रभु अर्ज सुनो कृष्णा। Oh, my God.
अभिमानी मस्तक से मुकुट गिर जाए, अभी मिट्टी से मिल जाए मर्यादा ही। हाँ ये श्राप देती हूँ, मनुजत्व मरे हुए है मति भ्रमित शत्रु, मृत्यु तुम्हें ले ले शीघ्र चिरकाल की। हाँ ये श्राप देती हूँ, पतिव्रता का श्राप है ये काल आए, प्रतिक्षण ही कुरुवंश निर्वंश होगा। ये निश्चित है श्री कृष्ण आ जाना तू। यदुनंदना प्रभु आओ ना करो रक्षणा, सुनो प्रार्थना तन्मन ये अर्पण है, तेरे नाम वंदन है क्यों न सुने हे श्री हरे, रक्षा करो आ जाओ ना कृष्णा। मायावी दुष्ट दुशासन, जब तक तुम्हारी छाती के रक्त से इस केश को धो नहीं लेती हूँ तब तक ये केश खुले रहेंगे, ये मेरी प्रतिज्ञा है। इस महासाध्वी को शांत कीजिए ना। पुत्री द्रौपदी पुत्र वात्सल्य में मति भ्रष्ट हो गई थी, अपने अपराध के लिए क्षमा चाहता हूँ। इस पाप के प्रायश्चित हेतु जो वरदान चाहो मांग लो। दीनहीन धर्मराज को विमुक्त कर दे महाराज। कर दिया, दूसरा वरदान मांगो। भीम अर्जुन नकुल और सहदेव को दासत्व से विमुक्त कर दे महाराज। स्वीकार है, एक और वर मांगो। राजकन्याओं को तीसरा वर मांगने का अधिकार नहीं है महाराज। आहा, कैसा धर्म पालन है ये। हारा हुआ तुम्हारा राज्य में स्वेच्छा से लौटाता हूँ पुत्र धर्मराज। जो हो चुका उसे दुस्वप्न समझ भूल कर पुनः इंद्रप्रस्थ लेकर अपने दायित्व का निर्वहन करो। चिंता करने की आवश्यकता नहीं सुयोधन, इसके चाल की प्यास अभी बुझी नहीं है। पुनः द्यूत। द्यूत के दिए आमंत्रण पे ये तो राजधर्म है, धर्मराज अवश्य पधारेंगे, किंतु इस बार ये द्यूत भिन्न होगा। त्रेता युग में 13 वर्ष राज्य से दूर होंगे, तो इस राज्य के पालन का प्रभुत्व वो खो देंगे नियमतः। इसीलिए कैकेयी श्री रामचंद्र को 14 वर्ष वनवास के लिए भेजी थी। अपने द्वापर युग का वो नियम 13 वर्षों का है। इस बार इस द्यूत में 12 वर्ष वनवास एवं 1 वर्ष अज्ञातवास। अज्ञातवास में यदि किसी ने उन्हें देख लिया तो पुनः वनवास पुनः अज्ञातवास। उत्तम मामा उत्तम, समुचित संयोजित समालोचना। ऐसे दुष्कृत्य कार्यों के लिए अच्छे सलाह के लिए धरोहर है शकुनी। दोहारिका जी आज्ञा। धर्मराज को आमंत्रित करो, पौरुष बचा है तो पुनः द्यूत खेलने के भांजे सुयोधन सार्वभौम का भेज दो आह्वान। आज्ञा। जो आज्ञा। धर्मराज तो अवश्य पधारेंगे एवं हमारी जीत भी सुनिश्चित है। पितृदेवो भवः।
प्रताश्री, भीम, नकुल, सहदेव। अर्जुन, क्या हुआ? उस दुष्ट सुयोधन ने आमंत्रण भेजा है। आमंत्रण के बदले यदि वो स्वयं आता तो उसका शीश धार से उतार देता। अर्जुन, आमंत्रण पढ़ो। जो हुआ उस प्रमाद को भूलकर पुनः हमारे साथ द्योत क्रीड़ा हेतु हस्तिनापुर आने का आह्वान स्वीकार करो। स्वस्ति। एकांत हो या सभा में होने वाले द्यूत के बदले वो क्रीडांगण में मुष्ट युद्ध या मल्ल युद्ध या गदा युद्ध का आह्वान करते तो ज्ञात होता उन्हें इन भीम अर्जुन का पराक्रम। जो अपमान हुआ है हमारा उसे कुरु कुमार भूल सकते हैं, पांडु पुत्र कदापि नहीं। आज्ञा दीजिए भ्राताश्री। दुर्योधन और दुशासन दोनों भाइयों को मैं यमलोक ही भेज दूंगा। भीम, शांत रहो अनुजो, शांत रहो। कैसे रहूं शांत? द्यूत को स्वीकारना होगा अनुजो, ये राजधर्म है। एक ही दांव, एक ही प्रतिफल। पराजित हुए तो भ्राताओं समेत 12 वर्ष अरण्यवास एवं 1 वर्ष अज्ञातवास का पालन करेंगे। इतने बड़े दांव के लिए ये तैयार होंगे भला? हम तैयार हैं। यही सही पुरुषत्व है। संख्या बताओ सुयोधन। 1 और 3। उत्तम। 1 और 3 जुड़ गया तो 13 होगा। तुम्हारा संख्या शास्त्र पांडित्य ओ परमाद्भूत सुयोधन किसका भविष्य वनवास में भेजेगा ये ज्ञात नहीं। पितृदेवो भव। उत्तम, अति उत्तम। अंतिम विजय भी हमारी हुई। जीत हमारी हुई। हम जीत गए। हम जीत गए। माया है ये द्रोह की जीत हमारी हुई। माया मद अंध ईर्ष्या। द्रोह मोह सब है माया। धर्म कर्म संयोग का परिहास है। कुटिल कुतंत्र का सहवास है। रगड़ के पासा और लगाए अट्टहास। विलीन अरण्य में मंदहास है। सुयोधन, पांडवों का वनवास अज्ञातवास का काल बीत गया। अज्ञातवास के दौरान विराट राजा के आस्थान में मंत्री रहे धर्मराज, नृत्य प्रशिक्षक बृहन्नला बनकर अर्जुन, रसोईया बनकर भीम, गजशाला अश्वशाला में नकुल एवं सहदेव रहते थे एवं वो द्रौपदी अंतापुर में दासी बनकर रहती थी। किंतु उनके वो 13 वर्ष हमें स्मरण कर विष उगलते हुए बीते होंगे। अज्ञातवास समाप्ति के अंतिम दिन सूर्यास्त के प्रहर तुम्हारे पितामह को इन पांडवों का पता चल गया था। सूचना यदि पहले मिली होती तो उनको पुनः 12 वर्ष अरण्यवास एवं 1 वर्ष अज्ञातवास भेज सकता था मैं। कहीं ये कुरुक्षेत्र युद्ध का पूर्वाभास तो नहीं? भ्राताओ, मुझ पर अभिमान करके कौरवों के पास राजदूत बनकर जाने को कह रहे हो? मैं तैयार हूं। अनहोनी को टालने हेतु अपनी सारी शक्ति का प्रयोग करूंगा। धर्मराज, कहो कैसी संधि का प्रस्ताव रखूं?
न्याय से हमें मिलने वाला आधा राज्य तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, वो दुर्योधन तो हमें देगा नहीं। कदाचित 5 गांव ही दे दे, ऐसा प्रस्ताव रखिए। भ्राताश्री, उस दिन कुरु महासभा में कौरवों द्वारा किए गए मेरे अपमान की आग आज तक हृदय में ज्वाला बनी हुई है। इतने दिनों से मेरे ये खुले केश इस आग के साक्षी हैं। मेरे पति मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करने वाले वीर योद्धा हैं, मैंने सोचा, किंतु अब ये अपने पौरुष को मिट्टी में मिलाकर केवल बातों में लगे हैं। इसलिए मैं अपने मायके जाकर अपने सहोदर धृष्टद्युम्न से उन कौरवों का संहार कराकर अपना प्रतिशोध ले लूंगी। हाँ द्रौपदी, ये सच है। भरी सभा में जब वो दुशासन तुम्हारे केश खींचकर तुम्हें अपमानित कर रहा था, हाथ बांध कर बैठे रहने वाले हम केवल बातें ही कर सकते हैं। भीम, शांत हो जाओ। शांति, हमारी प्रतिज्ञा पूर्ण होना केवल एक भ्रांति है। भीमा, शांति शांति। जाइए माधव, जाइए। अग्रज सा शांति मंत्र का पठन करना ही हमारी विधि लिखित है। जाइए माधव, केवल 5 गांव ही दया भीख में मांग कर दुर्योधन से हमारी संधि करा दीजिए। जाइए। अर्थात 5 गांव ही उपयुक्त है, यही सबकी राय है? नहीं, हमारी राय नहीं, ये हमारे अग्रज की राय है। अच्छा अच्छा, अर्जुन अपना संदेश बताओ। हमारा भाग नहीं दिया तो फिर वो दुर्योधन होगा भीम के भुजाओं के हिस्से। राज्य भार भ्राताश्री के भाग में मेरे भाग होगा समस्त सैन्य बल। ऐसी चुनौती दिया, बोलना माधव। ठीक है, सब कुछ थोड़ा भार डालकर ही कहूंगा। नकुल, सहदेव, हमारे भ्राताश्री की राय हमारी राय। संधि हो या समर हो, भ्राताश्री, मुझे पांडु कुमारों के साथ 5 गांवों में रहकर केवल एक एक दिन सनत संलाप नहीं करना, उन कौरवों का अंत देखूं। समर, समर से ही शांति है। हाँ, इस शांति हेतु ही ये शांति दूत बनकर जाएगा। मनोवांछित फल सिद्धि रस्तु। इस सभा को पांडवों के शांति दूत कृष्ण का प्रणाम है। वासुदेव, पांडु पुत्र एवं उनकी धर्म पत्नी द्रौपदी सब कुशल हैं? आपके आशीर्वाद से सब कुशल है मामाश्री। महाप्रतिभावान शकुनी महाशय की क्रीड़ा माया द्यूत में हार कर अरण्य एवं अज्ञातवास को पूर्ण कर आए आपके भ्राता के पुत्रों ने मुझे शांति दूत बनाकर भेजा है। अरे ओ शांति पुजारी, पांडवों ने तुम्हें यहां जितना कहकर भेजा है केवल उतना मात्र कहो, माया द्यूत न्याय द्यूत वाले अधिक प्रसंग नहीं। उनको मिलने वाला आधा राज्य देने का प्रस्ताव दिया है उन्होंने, ना दिए तो हृदय को जानते हुए तुम्हारे उन्होंने केवल 5 गांव की ही मांग रखी है। कौन से 5 गांव?
इंद्रप्रस्थ, रुकाप्रस्थ, वारणावत, जयंत, इनके साथ कोई एक और गांव मिलाकर पांच गांव ही चाहिए। और ये भी ना दिए तो, ना दूं तो विधि का लिखा असंभव है टालना, विपरीत विपत कर विध्वंस होना संभव है। गोपाल, अप्रासंगिक बातों हेतु ये स्थल नहीं है। शांति दूत बनकर आए हो, शांति दूत बनकर ही तुम बात करो। कर्ण, साक्षात कृष्ण परमात्मा ही संधि हेतु पधारे हैं, ज्येष्ठ की बातों को सुनना सीखो। आधा राज्य हो या पांच गांव, जो तुम्हें धर्म संगत लगे उसे दे दो। लोक चिंतक श्री कृष्ण की बात मानना ही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। धर्म हो या अधर्म हो, इसका अंत करो। इसके पश्चात किसी भी कारणवश वैमनस्य ना हो सुयोधन। यदि कुछ नहीं दिया तो जो होगा वो तुम्हें बताता हूं। कभी क्रोध न करने वाले धर्मराज यदि क्रोधित हुए तो सातों समुद्र एक हो जाएंगे। जिस कर्ण के पराक्रम पर अभिमान है तुम्हें, वैसे सहस्त्रों कर्ण ही क्यों ना आए, अर्जुन के पराक्रम की आग में भस्म हो जाएंगे। द्रौपदी के वस्त्र हरण के समय लिए प्रतिज्ञानुसार भीम दुशासन की छाती चीरकर रक्त से केश धोएगा उसके। द्रौपदी को देखकर जंघा पर बैठाने के किए संकेत के लिए तुम्हारी जंघा को वो भीम चीर डालेगा। यदि ये सब नहीं चाहिए तो संधि कर लो। ए शांति पुजारी, बंद करो अपनी अप्रासंगिक बातें। इंद्रप्रस्थ, रुकाप्रस्थ, जयंत, वारणावत, ये सारे गांव हमारे पिताश्री आदि काल में ही दान स्वरूप दे चुके हैं, उसे तो दे नहीं सकते। ये अच्छी तरह ज्ञात है तुम्हें, अगर उनकी मांगे पूरी ना करूं तो युद्ध होगा, और इस युद्ध में मेरा, मेरे मित्र का, मेरे सहोदरों का, वो क्या करेंगे। ये बात भरी सभा में प्रकट कर दी। यदि मैं उनसे संधि मानकर उन्हें दे भी देता हूं तो मांगे हुए पांच गांव मैंने सामंजस्य से दिए होंगे अथवा समर के डर से दिए होंगे। अरे बेचारे पांडवों ने केवल पांच गांव ही तो मांगे, उसे भी नहीं दिया परम लोभी कृपण दुर्भागी दुष्ट दुर्योधन ने। ये लोगों से कहलाने वाली तुम्हारी दुष्ट बुद्धि है। तुमने क्या कहा माया द्यूत? स्वयं वो चलकर आए, खेले, पांचाली को हारे, पिताश्री के दया भीख के पात्र बने। वैसे भी एक एक कर पांडव के साथ जीवन व्यतीत करने वाली वो परम पावनी द्रौपदी ने क्या मांगा? दासत्व से विमुक्ति पतियों की, किंतु स्वयं ने दासी मुक्ति नहीं मांगी और पिताश्री ने उसे मुक्ति दी भी नहीं। इसीलिए वो धूर्त पांचाली इस क्षण तक मेरी चरण दासी है। चलो, तुम्हारे कहने पर आधा राज्य या पांच गांव हमने दे दिया तो द्रौपदी को तुम हमें दिला दो उनसे। हमारी ओर से शांति पुजारी बनकर दिलाओगे क्या? शांति पुजारी, हाँ, वो तो निर्लज है, तुम्हें यहाँ भेजा है और तुम भी निर्लज होकर यहाँ आ गए। जितना तुमने कोलाहल मचाया उतना ही ये वास्तव में पराक्रमी होते तो रणभेरी बजाना छोड़कर दे ही कर भिक्षा मांगने तुम्हें यहाँ कदापि नहीं भेजते। समर छोड़ संधि करो, संधि चाहने वाले रणकायरों को क्या कहूं। शीश झुका सद धर्म, पत्नी का चीर हरण देख, सभा में मौन रहने वाले सत्वहीन को क्या मैं कहूं। यूं होकर अपमानित इस क्षण तक नपुंसक से बैठे इन प्राण रहित अस्थियों को क्या मैं कहूं। सर्वदा संधि नहीं,
निकृष्ट निस्तेज अधमो संग संधि श्यामल वर्ण श्री कृष्णा शांति पुजारी, कौरों को विधवा पुत्र कहने वाले भीम के विकट अट्टहास के प्रतिकार है तू। माया सभा में उस निर्लज द्रौपदी ने मुझे देखकर उपहास किया, उसके प्रतिकार है तू। उन कौंतेय को सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दे सकता। अब हम होंगे या वो, रणभूमि इसका निर्णय करेगी। यही इस कुरु सार्वभौम का अंतिम निर्णय है। जाओ कह दो उन्हें। तथास्तु। धर्मक्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है, रणक्षेत्र बनने दो। अधर्म की हार धर्म की जीत हो। विफल संधान बहुव्यसन है, कौतूहल कुल दमन ही। घनघोर का संचार है, कुरुक्षेत्र जन विभाजन है। योग काल काम वर्ण परिक्रमण है, भ्रमण है। अंगराज, दुशासन, मामा शकुनी, समर हेतु तैयार रहे। हमारे पराक्रम की आग उन पांडवों को मिट्टी के कीड़े सा स्मशान भेज देगी। गदाधर योद्धा मेरे परम मित्र, तुम्हारी इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा। प्रलय कारक अग्नि की ज्वाला बनकर युद्ध में बिजली जैसा कौंधूंगा, जैसा किसी ने देखा ना हो। शर्तांडव करके उन पांडवों की समस्त सेना में प्रलय घोष की सृष्टि कर दूंगा। ये सत्य है मित्र। सृष्टि संभव है, किंतु सृष्टि संभावना के लिए नारी की साड़ियों का चोर, मुरली की तान से लोगों को घेरने वाला कुटिल नाट्य चतुर वो ग्वाला कपटी कृष्णा परमात्मा जो है ना, उसके पास जाओ। किस लिए? युद्ध में तुम सहायता मांगने हेतु उनसे हाथ जोड़कर याचना करो भांजे। मामा, गर्दन काट दूंगा बिना किसी तलवार के। आजन्म स्वाभिमानी हूं मैं, हाथ जोड़कर याचना करो। राजनीति यही है होती। यदि प्रयोजन हो तो चरण पकड़ लो, सिद्ध हो जाए प्रयोजन उसी चरण को मरोड़ फेंको। मामा, श्रेष्ठ बुद्धिमान हो, इसे आज मैंने जाना कितना अभागा हूं मैं। यदि तुम्हारा सहोदर समूह आज मेरे साथ होता तो सप्त लोकों का सार्वभौम मैं होता। कुरु वंश निर्मूलन ही मेरा ध्येय है। श्री कृष्ण परमात्मा, पासे मेरे, खेल तुम्हारा। स्वामी, ये गहरी सोच मुद्रा प्रणय के लिए अथवा प्रलय के लिए? पत्नी के लिए प्रणय का, पापियों के लिए प्रलय का। समझ गई स्वामी। सच्ची निद्रा में सोया है या कपट कर रहा है? जो भी हो, कार्य साधन के लिए प्रतीक्षा करना राजतंत्र है। इस कृष्ण के चरणों के पास मैं बैठूं? हाँ, ये मुझ जैसे राजा के लिए योग्य नहीं।
कुंती इंद्रकुमार, इस बृहन्नला की चाल को देखकर मुझे घृणा आती है। अर्जुन, तुम और यह कैसे आना हुआ? सब कुशल तो है ना? आपके अनुग्रह से सब कुशल ही है माधव। अभी अभी स्वप्न में दुर्योधन को देखा, जैसे ही नींद खुली देखा तो सामने तुम हो। ये स्वप्न है या सत्य? दुर्योधन, कब आए तुम? आने का कारण बताओ। सुनो कृष्ण, कार्य हेतु सर्वप्रथम यहां मैं आया हूं। आगे होने वाले कौरव पांडव संग्राम के लिए तुम्हारा समर्थन हमें चाहिए, क्योंकि तुम मेरी चाची कुंती देवी के कुल से हो ना, सोचा तुमसे पूछ लूं। कुल एवं गोत्र को न सहने वाला कुरु सार्वभौम का कुल गोत्र की ही बातें करना भविष्य में होने वाली राजनीति का पूर्वाभास है। मैं दोनों की सहायता करूंगा, हमारा यादव सैन्य बल एक ओर और मैं एक ओर, किंतु पहले चुनने का अधिकार राजाधिराज सर्व स्वतंत्र सार्वभौम तुम्हारा नहीं है, भ्राता के आश्रय में रहने वाले अर्जुन का है। कपटी नाट्य चतुर सूत्रधार माधव, मांगने से पहले ये सोच लो, मैं किसी भी ओर रहूं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, आवश्यकता हुई तो सुझाव दे दूंगा, युद्ध कभी नहीं करूंगा। माधव, समस्त सैन्य बल उनकी ओर ही रहने दे, आप अकेले ही हमारे लिए पर्याप्त हैं माधव। कृष्ण, मुझे वो मिल गया जो मुझे चाहिए था, चलता हूं। जिसको जो मिलना है उसे वही मिलता है। कौन है ये चित्तचोर? उत्तरा को आलिंगन करने वाला ये श्रीमंत? ये अभिमन्यु वीर योद्धा, उत्तरा को चाहने वाला एक ही धैर्यवंत। सुबह उठकर घोड़े पे चढ़कर तलवार भांजने वाला, गदाधारी होकर गज सवारी करने वाला, ये अभिमन्यु क्या सही है? तुम बताओ। मन तो कहता है कि वो सही है। मेरा मन तो बेचारा रूठा सा है, क्या तुमसे क्षमा मांग सकता है? विवाह होकर अभी पूरे हुए नहीं है एक बसंत। कितने ही बसंत चले जाएं, ये सौंदर्य निधि हमारी ही है। ये कविता में तुम कम नहीं हो, कवि संत। ये अभिमन्यु कवि संत है, उत्तरा श्रृंगार ग्रंथ है। पितामह, हमारी यश कीर्ति सभी दिशाओं में फैलाकर विजय लक्ष्मी से हमारा विजय माल करने हेतु सर्व सेनाधिपत्य आपके कर कमलों में अर्पित करता हूं। सुयोधन, ये युद्ध एक महायज्ञ है। मेरे बाणों का बल अग्नि, रथ गज हया पटद्भूत, धूल धोम धाम इस संग्राम का यज्ञ करता एवं भोक्ता मैं ही रहूंगा। आचार्य जी, हमारे सैन्य बल के वीरों को उनके गुण शक्ति के अनुसार
नियुक्त करने का आपसे अनुरोध करता हूँ। ईश्वर से वर प्राप्त किया हुआ अश्वत्थामा, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य हमारे महारथी रहेंगे। सुयोधन, कृतवर्मा, बुरिश्रवा, सोमदत्त, ये सभी अतिरथ रहेंगे। सूत पुत्र कर्ण, तुम अधिरथ रहोगे। आचार्य, मैं अधिरथ क्यों? यदि जातिहीनता ही मुझे अधिरथ बनाती है तो ये धैर्यवान के लिए कलंक है, वीरत्व का अपमान है। जब तक जाति कुल का मतभेद हमारे हृदय में आवृत रहेगा, उस समय तक किसी राज्य का उद्धार नहीं हो सकता। वीरता दिखाकर विजय को साधने के इस समय में एक युद्धवीर का इस रीत अपमान करना नायक का लक्षण नहीं। आपके हाथों में जब तक धनुष होगा, मैं रणभूमि में नहीं आऊंगा। अर्जुन? माधव, आराध्य का, ज्येष्ठ का, सहोदरों का, बंधु मित्रों का, गुरुजनों का, स्नेह हित का, इन लोगों का वध कर इनके रक्त रंजित अन्न ग्रहण नहीं कर सकता। मैं युद्ध से पलायन करता हूं। हे पार्थ, राजा रक्त से सना भोजन नहीं करेगा तो क्या पसीने से सना करेगा? कदम रणभूमि में रखकर कायरों जैसी बातें नहीं करते। तुम केवल अपना कर्म करते जाओ। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम निमित्त मात्र हो। जो हुआ, जो हो रहा है, जो होने वाला है, मैं ही कर्ता, क्रिया एवं कर्म हूं। Hey,
भरत वंशज। चिंता करो न व्यर्थ की पार्थ है, अपने अपने कर्मानुसार भव सागर पार्थ है। जन्म लिया तो मृत्यु अटल है, मृतक का पुनः जन्म है निश्चित, मरता नहीं है कोई ना कोई मारता है। परिवर्तन जगत नियम है, यही तो निसर्ग धर्म है। सर्व जीवों में व्याप्त परमात्मा हूँ मैं। आदि कृष्ण अंत कृष्ण अचिंत्य कृष्ण अदम्य कृष्ण अगोचर कृष्ण आत्मा कृष्ण सर्व मृग खग नर जीव में समाहित हूँ मैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे मानव, दुष्टों को शिक्षा देने हेतु तैयार हो जाओ। हे माधव, आपके दिए इस गीतो उपदेश से, अखंड विश्व रूप दर्शन से मुझ में छाई हुई अज्ञानता का अंधकार दूर हो गया। अब कर्तव्यों का ज्ञात हुआ मुझे। Thank you.
भीष्म, अपनी प्रताप अग्नि से तुम एवं तुम्हारी कुरु सैन्य वाहिनी को केवल एक ही क्षण में संहार कर युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करूंगा। यदुनंदन, इतना आक्रोशित मत होना, कृपा करो इस जीवन से मुझे मुक्त कर दो, इस बंधन से मुझे विमुक्त कर दो। माधव, माधव, युद्ध में शत्रुओं के संहार करने की तो प्रतिज्ञा मैंने ली थी। माधव, आपने तो शस्त्र धारण कर युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा ली थी। शांत हो जाइए माधव, शांत हो जाइए। माधव, भीष्म पितामह की शौर्याग्नि में हमारी सेना ऐसे बिखर रही है जैसे पवन में पत्ते बिखरते हैं। भीष्म के हाथ में जब तक धनुष बाण है, यमराज भी कुछ नहीं कर सकते। किंतु धर्मराज, तुम चाहो तो युद्ध की गति बदल सकते हो। माधव? हां धर्मराज, भीष्म को इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त है। उनकी मृत्यु कैसे होगी ये उन्हें ही पता है, इसीलिए तुम्हें जाकर पूछना होगा। धर्मराज, धर्म मार्ग लगता है ये तुम्हें? मैं कौरवों के साथ रहकर ऐसे द्रोह करूं उनसे? बिना शिखंडी के मेरे आगे खड़ा होने पर अस्त्र संन्यास मैं नहीं लूंगा, कैसे बताऊं तुम्हें? मैं ये बता नहीं सकता, यदुवेंद्र से ये कह देना। अभिमन्यु, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए पितामह। पौत्र, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। केवल मेरे लिए ही नहीं, यहाँ हर युवा के लिए प्रेरणा शक्ति हो आप। आपने अनेकों पीढ़ियां देखी हैं। चिर युवक पितामह हो आप। भीष्माचार्य का अर्थ परम पवित्र गंगा माते का गर्भ संजात। आपने राज्याभिषेक ना होते हुए, कोई पद ना होते हुए भी इस समस्त साम्राज्य को निपुणता से चलाया, जन चिंतक रहे। मैं आपके जैसा वीर धीर पराक्रमी बनना चाहता हूँ। इस वंश को प्रदीप्त करने की शक्ति चैतन्य मुझे भी मिले पितामह। वो सब तो गर्भ में ही तुमने पाया है। शेर का पुत्र शेर ही होता है। तुम्हारे पिताश्री जगत विख्यात वीर धनुर्धर चतुर परम शिव से युद्ध करके पाशुपतास्त्र पाने वाला परम वीर है। एक बार में निशाना लगाकर ही मछली की आंख को भेदने वाला चाणाक्ष है वो। सामने खड़े प्रतिद्वंदी को मार गिराने का सामर्थ्य रखने वाले हैं तुम्हारे पिता। चाहने वालों को संरक्षण देने वाला, विरोधियों की छाती में भूकंप लाने वाला, वज्र युद्ध का उत्तराधिकारी, खांडव वन को अग्निदेव को अर्पण करने वाले वीरार्जुन के वत्स हो तुम, अर्जुन के। इतना ही नहीं, इन पांडवों की शस्त्र विद्या निपुणता का सामर्थ्य भी आ गया है तुम में। पितामह, मैं आपके जैसे, पिताश्री जैसे जनमन का हृदय जीतूं। पदाति, रतिका, अश्व, गजसेना, इतना ही नहीं अक्षोहिणी सेना भी उत्तम उत्तम कहनी चाहिए। ये मेरा धैर्य स्थैर्य विजय यशोगुण दसों दिशाओं में प्रतिध्वनित हो, इसलिए मैं युद्ध लड़ूंगा। युद्ध मात्र से ही प्राप्त होगा ये सब, इस बात का ज्ञात है मुझे। पितामह, मेरे ये हाथ खड़ग हस्त होने के लिए व्याकुल हैं, मेरी ये उंगलियां झंकार कर रही हैं धनुष उठाने के लिए, ये मेरी भुजाएं गदा युद्ध के लिए उत्सुक हैं।
कुरु सेना के अंतर्नाद को अंबर की ऊंचाई तक पहुंचाऊंगा। उनके शोकालाप की गूंज सुनने हेतु मेरे कान तरस रहे हैं। सारे शस्त्रों का प्रयोग करके दसों दिशाओं में उजाला फैलाने हेतु मंत्र पढ़ूं ऐसी मेरी जिह्वा बोल रही है। वैसे मेरे पिताश्री किसी के साथ समर के लिए तैयार नहीं होते, किंतु ललकारा यदि किसी ने तो पीछे भी नहीं हटते। अब तो पिताश्री के साथ युद्ध में खड़े रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। रणरंग में शत्रुओं का रक्त बहाकर विरोधियों का शीश काटकर रणचंडी को अर्पण करने का समय है पितामह। युद्ध के लिए सदैव तत्पर रहना, ये वीरों के लक्षण हैं। तुम्हारे जैसे वीर को पाकर हमारा वंश धन्य हो गया। तुम्हारा साहस एवं शौर्य तुम्हें जीत दिलाएगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। शुभमस्तु। गुरुवीर सैनिकों, सर्पव्यूह रचकर आंधी के जैसा प्रहार करो। अर्जुन। हाँ माधव। भीष्म सर्पव्यूह रचकर युद्ध के लिए तैयार है, तुम उनके विरुद्ध में गरुड़ व्यूह रचकर आगे बढ़ो। अर्जुन, धर्म स्वरूप भीष्म पितामह यदि धरती पर गिरे तो तीनों लोकों में अनिष्ट हो जाएगा। शरशैया बिछा दो। श्रीमन महाविलासाय वक्षस्थल वास वैष्णवे वेद वेदांग रूपाय माधवाय नमोस्तुते। तुम आ गए महावीर, रास्ता देख रहा था तुम्हारा। तुम्हारा शौर्य जानकर भी अधीरथ बनाकर तुम्हें अपमान किया तुम्हारा, क्योंकि तुम यदि मेरे साथ होते सम्रांगण में, तुम्हारे
युद्ध कला के प्रताप से पांडवों की हार निश्चित होती। मैं धर्म पक्षपाती पांडवों का विजयाभिलाषी होकर ऐसा घोर पाप कार्य किया है मैंने, जब तक तुम क्षमा नहीं कर देते, अपने हृदय से मन को शांति नहीं मिलेगी। पूजनीय, मुझसे क्षमा न मांगे, मैं अपने धर्म का पालन कर सकूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। स्नेह के लिए जीवन त्याग तुमने किया, त्यागमयी हो। भूमंडल के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। चिरस्मरणीय होके जियो, चिरस्मरणीय होके प्रज्वलित हो। भीष्म पितामह के पतन का संताप व्यक्त करते हुए सर्वसेनाध्यक्ष पद हेतु आचार्य द्रोणाचार्य को मैं नियुक्त करता हूं। सुयोधन, अपनी समस्त शक्ति को अर्पित करता हूं मैं। उसका पहला चरण है चक्रव्यूह रचना। उसको भेदने वाला वीर अर्जुन एकमात्र है। उसको यहां से दूर रखने का उपाय केवल कर्ण को ही पता है। चक्रव्यूह रचकर आज धर्मराज को बंदी बनाकर ही रहूंगा। ऐसी संकट की परिस्थिति भी आ जाएगी, सोचा नहीं था। चक्रव्यूह को भेदना तो मैं भी नहीं जानता हूं। भ्राता श्री अर्जुन श्री कृष्ण के साथ सैनिकों को पीछे हटाने गए हैं। ये सब कर्ण की कूटनीति है। सत्य है जो कह रहे हो अनुज, वो सत्य है, किंतु हमारी सुरक्षा कैसे हो? उत्तरा, उत्तरा, ये क्या, चिंतित दिख रहे हैं आप लोग? अभिमन्यु, ये द्रोणाचार्य गुरुवर तुम्हारे बड़े पिता को एवं चाचाओं को चक्रव्यूह रचकर मारने वाले हैं। चिंता मत कीजिए, ये चक्रव्यूह भेदना तो अभिमन्यु जानता है, ये तो गर्भ में रहकर ही सीख लिया था मैंने। माँ सुन, तू तो युद्ध करने जा रहा है। हाँ, युद्ध जैसे रणचंडी को तुम्हारी बलि नहीं चढ़ाएंगे। तू हमारा कुल दीपक है, अभी बालक है। पुत्र माता के समक्ष तो सदैव बालक ही होता है। माँ, माँ युद्ध में जाने की मुझे अनुमति दीजिए। नहीं बेटा, हट मत करो, जाओ विश्राम करो। कुमार, ये क्या है पुत्र? कुछ भी नहीं माँ, उस कुरुसेना में भय की सृष्टि जो करनी है, मुझे आशीर्वाद दो। तुम युद्ध ना करो, ऐसा तुम्हारे पिता का आदेश है। उस आदेश को अर्धांगिनी होकर आप मोड़ भी तो सकती है ना सासू माँ? ये हुई ना एक वीर की अर्धांगिनी वाली बात। सत्य है, इस कुरुक्षेत्र युद्ध में एक पत्नी ये अवश्य चाहेगी कि वो एक वीर की पत्नी कहलाए। इस उत्साह के आगे हमारी हठ नहीं चलेगी, विजयी होकर लौटो। शत्रुओं में तुम्हारे नाम का भय होने दो, विजयी भववत्स। Thank you.
कर्ण, अभिमन्यु के हाथ में जब तक धनुष है, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी असंभव है उसे साथ पाना। उसने जो ये धनुष पकड़ा है वो तुम्हें पीछे से तोड़ना ही पड़ेगा। क्षमा चाहता हूं गुरुवर, यह धर्म युद्ध में नहीं करूंगा। धर्म अधर्म के व्याख्यान का यह समय नहीं है कर्ण, इस समय की आवश्यकता है प्राण मित्र सुयोधन सार्वभौम की विजय। मेरे मित्र का नाम लेकर मुझे धर्म की ओर मत घसीटिए गुरुवर। कर्ण, ये मेरी आज्ञा है, इस कार्य के लिए आज्ञा पालन करना ही होगा। उससे पहले तुम्हें प्राण मित्र सुयोधन की सौगंध है। ये कर्ण अपने रक्त की हर बूंद आपके यश की रक्षा में, आपके सार्वभौमत्व की रक्षा में न्योछावर कर देगा। कर्ण, ये क्या, तुम तो अधर्म से युद्ध कर रहे हो। छे, स्वयं को वीर कहते हो। सैनिक रण रंग का युग नायक, क्यों
केवल एक मात्र व्यू भेद रहा जो जब तक ये है मरने वालों की गिनती नहीं कौन है ये रण सैनिक अजर अमर ये बालक दादी के सामने तुमने आंखें खोली दादी के सामने ही आंखें मूंद ली तुमने बेटा ज्येष्ठ माँ जीत कर ही लौटूंगा ऐसा तुम कहकर गए थे लौटा बेटा बात कर अभिमन्यु बात कर सुनो कहीं गए नहीं हो तुम पहले मेरे हृदय में बसे हुए थे अब मेरे गर्भ में पल रहे हो अभिमन्यु मेरे जीवन मेरे प्राण यूं मुझे छोड़ दिए तुम्हारे बिना व्यर्थ है ये जीवन हे पार्थ वो जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है यही तो प्रकृति का धर्म है एवं गीतोपदेश के समय तुम हाँ हाँ कहते थे क्या गीतोपदेश केवल कहने हेतु सुनने हेतु मात्र है आचरण हेतु नहीं है माधव अब एक वीर क्षत्रिय की भांति इस समय क्या करना है वो सोचो मैं कांटों को कांटों से ही निकालूंगा अधर्म को अधर्म से ही नष्ट करूंगा मेरे सुत की अकाल मृत्यु का कारण बने हैं जो उसका शीश धड़ से अलग कर काल के गर्भ में डाल दूंगा निबंधन है बाणों में एक दंड है शत्रुओं में हड़कंप है श्री कृष्ण शंख नाद है धर्म में द्रोह है प्रत्यक्ष पर मोक्ष पांचाली परिवेक्ष कुरुक्षेत्र उच्चरित्र सच्चरित्र कुटिलता ही गुरुचरित्र कुरुक्षेत्र हे धर्मराज अश्वत्थामा हतः कुंजरा बोलो अश्वत्थामा हतः कुंजरा गुरु द्रोण का धृष्टद्युम्न ने कर डाला सिर छेदना विक्रमित करना मति क्षीण होना कुरुक्षेत्र का ये रण बना यंत्र रच कर शुद्र सोच रखो कुटिलता का ये दुष्ट साक्षी सहदेव द्वारा हो के अचंभित पूरे शकुनी के प्राण पक्षी गदाद्वंद से प्रतिद्वंदी धराशायी हो रहे हैं यह भीम का बल शासन अट्टहास कर रहा था दुष्ट दुशासन पांडु धृतराष्ट्र वर शक्ति शत सहोदरों में आक्रमण करण है छिड़ा
और गज सैन्य में हो रहे आक्रंदन। द्रौपदी प्रतिज्ञा बल भीम ने किया, दुशासन का रक्त देख कर के भीम हंसा कुरुक्षेत्र में। अपमान द्रौपदी का परिवर्तित आज हुआ कुरुक्षेत्र में। पांचाली प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, दुशासन की छाती का रक्त है ये। भ्राता कर्ण। कृष्ण, ये कैसा नया संबोधन? कोई नया नहीं है, संबोधन पुराना है। नहीं पता तुम्हें, तुम्हारे जन्म का एक वृत्तांत बताता हूं तुम्हें। तुम कुंती देवी के ज्येष्ठ पुत्र हो, सूर्य पुत्र हो, पांडवों के अग्रज हो। मेरी बात सुनकर तुम इस युद्ध को टाल सकते हो, इस विशाल महासाम्राज्य के तुम सार्वभौम बन सकते हो। कृष्ण, इस रहस्य को तुम इस समय क्यों बता रहे हो? ये जानता हूं मैं, एक अशाश्वत राज्य के लिए अमृत हृदय मित्र सुयोधन के साथ अन्याय नहीं करूंगा। द्रौपदी को भिन्न दृष्टि से नहीं देख पाऊंगा। मुझे तुम क्षमा कर दो कृष्ण। कर्ण, तुम्हारा सच्चरित्र एवं करुणामय स्वरूप सूर्य चंद्र सा प्रकाशवान होगा। कर्ण के बिना महाभारत की कीर्ति अधूरी है, तो चलूं मैं? धन्य हुआ मैं कुंती सूत। कुमार कर्ण, पांडवों की माता को मेरा प्रणाम। पांडवों की माता नहीं कहते बेटा, मां बुलाओ कर्ण। मैंने अनंत महत्वाकांक्षाओं से जन्म दिया तुझे पुत्र। मां होकर ना सही, कम से कम एक नारी होकर कभी बच्चे को सीने से लगाया, उसे एक बूंद दूध भी पिलाया क्या? कभी हाथ पकड़कर चलना सिखाया? मां कहकर कभी मैंने बुलाया? नहीं पुत्र नहीं, इह लोक के भय से जन्म देते ही तुझको गंगा को अर्पित कर दिया बेटे। पुत्र से दूर रहकर जो मैंने कष्ट उठाए हैं वो अनुभव है बेटे। इस आयु में पुत्रहीन होकर जीवित नहीं रह पाऊंगी, नहीं रह सकूंगी, इसलिए अपने सहोदरों का संहार मत करो तुम। एक माँ अपने बेटे से याचना कर रही है, आंचल फैला कर बेटे पुत्र भिक्षा दे दो, पुत्र भिक्षा दे दो। पुत्र भिक्षा, पुत्र भिक्षा। त्याग तो आपने तभी दिया था मुझे, यहां मेरी चिंता के कारण नहीं आई है। इस समय भी पांडवों को बचाने की विनती लेकर यहां आई है। आपका ज्येष्ठ पुत्र कर्ण भी जीवित हो, ऐसा आपने कभी नहीं चाहा। कर्ण, ऐसा मत कह। विधि का विधान देखिए, बेटा कहने का पुण्य आपको नहीं है,
एवं मां कहने का भाग्य मेरा नहीं है। मैं कौंतेय नहीं, राधेय सूत पुत्र। इस समय जो आप मांगने आई हैं मातृमूर्ति, याचक को मैं खाली हाथ लौटा दूं ऐसा करुणाहीन नहीं है ये कर्ण। धर्मराज, भीम, नकुल, सहदेव से यदि युद्ध हुआ तो नहीं हरूंगा मैं उनके प्राण, किंतु अर्जुन मेरा अजन्म वैरी है, उसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। या मेरा अंत अर्जुन के हाथों होगा या अर्जुन का अंत मेरे हाथों, पांडव रहेंगे पांच भ्राता ही। युद्ध में यदि अर्जुन मारा जाता है तो प्राण मित्र सुयोधन को दिया वचन मैं पूर्ण कर दूंगा, यदि मैं मारा गया तो आपको दिया वचन। कर्ण, दिया वचन मैं तोड़ूंगा नहीं, चलाया हुआ बाण उन्हें उस ओर मोड़ूंगा नहीं। जाइए पांडव माते। आदित्या सवित सूर्य खग पूषा गभस्तिमान सुवर्ण सदृशो भानु। कर्ण, पुत्र वात्सल्य के मोह में देवराज इंद्र अपने पुत्र पार्थ की जीवन रक्षण के लिए स्वांग रचकर तुमसे तुम्हारा कवच कुंडल मांगेंगे, उन्हें ये देना मत पुत्र। धन्य हुआ मैं। भिक्षामि देहि, देहि राजा। स्वर्गाधिपति इंद्र, ये कैसी अनिष्ट सोच है आपकी। अपने पुत्र के प्राण की रक्षा के लिए आप दूसरे के पुत्र के प्राण लेना चाहते हैं। बोलिए क्या चाहिए आपको, मेरा कवच कुंडल, यही ना। देवताओं के राजा कर्ण के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, इस इतिहास बनने दीजिए। प्रसन्नता पूर्वक देता हूं। दानवीर कर्ण, धन्य है ये दान। दानवीरों में सर्वश्रेष्ठ कर्ण को देवराज इंद्र स्वयं शीश झुकाकर नमन करता है। चिरस्मरणीय रहो। अंगराज, मेरे अंतरंग राज, मेरी आशा आकांक्षाओं को सिद्ध करने वाले एक तुम ही हो। वो चतुर कृष्ण अधमों के साथ मिलकर उनसे हमारे विरुद्ध अब अधर्म युद्ध करवा रहा है, किंतु मेरा मित्र ये कर्ण मेरे साथ है। अस्त्र शस्त्र से उत्पन्न होने वाले तीव्र वैश्वानर की ज्वाला में ये दुष्ट कृष्ण एवं निकृष्ट पांडव जलकर भस्म हो जाएंगे, ये जानता हूं मैं। विजय भव मित्र, विजय भव। मित्र, शिव तांडव सा आनंदित होकर समर विजय लक्ष्मी को खींच तुम्हारे समक्ष लाकर उसका शीश झुका दूंगा। असामान्य अद्वितीय मेरे मित्र प्रिय सुयोधन सार्वभौम के लिए ये कर्ण का लिखा युद्ध इतिहास सदैव चिरस्थाई होकर युग युगांतर तक अविस्मरणीय रहेगा। हमारी मित्रता की ज्योति जलती रहेगी, ये मेरी प्रतिज्ञा है।
भद्र देश नरेश को मेरा प्रणाम। आ जाओ। आगे बढ़ो। शल्य महाराज, आपके सारथ्य में महारत बनकर अपने मित्र का मनोरथ पूर्ण करूंगा मैं। चलिए। वो देखो कर्ण आ रहा है। मेरे भुजबल एवं शस्त्र सभी सबरांगण में प्रयोग हेतु आतुर हैं। रथ कृष्ण अर्जुन की ओर लीजिए। कृष्ण अर्जुन से युद्ध करने का सामर्थ है? पहले सामान्य सैनिकों का ही सामना करो। शल्य राजा, अपनी पक्षपाती बातें बंद कर दीजिए। उस पार्थ को धूल चटाने वाला वीर हूं मैं। चलिए। तुम पार्थ का सामना कर पाओगे? गांडीव धनुर्धर, धनुर्विद्या विशारद, ये पांडव कहां एवं कुरु कुमार के दासों का दास कर्ण कहां? चंद्रकुल वंशज अर्जुन कहां एवं नीच कुल में जन्मे तुम कहां? बस। नीच कुल का हूं तो भी, जिसका अन्न खाया है सदा ऋणी रहूंगा उनका। मैं तुम जैसा विश्वासघाती नहीं, कृतज्ञताहीन कृतज्ञ हो तुम। वो देखो सामने कृष्ण अर्जुन। कितना बल पराक्रम है मुझ में दिखाता हूं अभी। ये नागास्त्र है,
इसे एक बाण से कृष्ण अर्जुन दोनों ही मारे जाएंगे। कृष्ण के माया जाल के कारण लक्ष्य चूक गया, मुझे पुनः प्रयोग करें। चलाया हुआ बाण पुनः मोड़ूंगा नहीं, मैंने वचन दिया है, क्षमा कीजिएगा मुझे। हे माधव, मेरा मुकुट धरती पर गिरा, यश कीर्ति धूल धूसरित हो गया। व्यर्थ की चिंता छोड़ो अर्जुन, धैर्य रखो। वो देखो, भूदेवी का श्राप फलीभूत हो गया। बेटी, चोट तो नहीं लगी? आपने मेरा घी नीचे गिरा दिया। आओ मेरे साथ, दूसरा घी दिलाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे यही घी चाहिए। भूमि में समाया हुआ पुनः नहीं मिलता बेटी। यदि मैं ये घी लेकर नहीं गई तो माँ मारेंगी। ठीक है, रोना नहीं। कर्ण, माता जानकर भी मेरे वक्ष स्थल को निचोड़ने वाला दुराहंकारी, रणभूमि में तुम्हारे रथ का पहिया ही भूमि में धस जाए, ये मेरा श्राप है। माँ भूदेवी, युद्ध के इस निर्णायक समय में मुझे दिए श्राप को फलीभूत करना चाहती हैं आप? जैसी आपकी इच्छा। शल्य राजा, रथ को ऊपर उठाने में मेरी सहायता कीजिए। मैं केवल तुम्हारा सारथी बनकर आया हूँ, समझे? रथ निर्माण करने वाला सूत जाति का नहीं हूँ मैं। इस कार्य को तुम्हें स्वयं करना होगा। हे अर्जुन, बाण चलाओ उस पर। ठीक कायर, कृष्ण के कहने पर इतना नीच कार्य किया है तुमने। निशस्त्र योद्धा पर शस्त्र प्रयोग करना यही क्षत्रिय धर्म है। धिक्कार है तुम पे अर्जुन, ये भार्गवास्त्र है, तुम्हें एवं तुम्हारे समस्त सैन्य बल को भस्म कर देगा। ये मंत्र स्मरण क्यों नहीं हो रहा है? कर्ण, ये रक्त कैसे बहा? गुरुदेव, कीट दंश के कारण बह रहा है, आपकी निद्रा भंग न हो इसलिए सहता रहा। इतना धैर्य, स्थैर्य एवं वीरता क्षत्रियों में ही मिल सकते हैं। ए असत्यवादी, छल से जो तूने मुझसे सीखी है विद्या, उपयुक्त समय में वो तेरे काम नहीं आएगी, ये मेरा श्राप है। कर्ण, सबका श्राप एक ही समय फलीभूत हो रहा है, देवों की यही इच्छा है। अर्जुन, अंजलि का अस्त्र चला। माधव, दुर्मार्गी हारा एवं मरा। पार्थ, कर्ण ना तो दुर्मार्गी था ना वो दुर्भागी था। विप्र, परशुराम, भूदेवी, तुम्हारी माता कुंती, पिता इंद्र, शल्य, इन छह जनों के कारण ही कर्ण ने अपने प्राण गवाए हैं। हम तो केवल हैं निमित्त मात्र।
प्राण उड़ गए आत्मघट से, देव तुल्य से पुण्य पुरुष के, दान यही है धर्म यही है, निज नीति यही, कर सके पृथक मृत्यु मित्रता ये ना, चरित्र से एक ही करण करण। हे सखा, तुम मेरे प्राण थे, मेरे स्नेह स्वरूप थे, मुझे छोड़कर तुम चले गए। दुशासन गुरुजनों तथा सहोदरों के मृत्यु के पश्चात भी विचलित नहीं हुआ, किंतु तुम्हारे जाने का दुख अब सहन नहीं हो रहा है। अब ये राज्य साम्राज्य, ये राज वैभव मेरे किस काम के हैं? अब जल समाधि केवल एक मार्ग बचा है, केवल वही एक मार्ग है। दुर्योधन, अपने नाम का अर्थ समझते हो? युद्ध में तुम्हारा सामना करने वाला वीर नहीं है कोई। जल से बाहर आओ दुर्योधन, मेरे अग्रज के चरणों में आश्रय ले लो, जीवन दान मिल जाएगा तुम्हें। आधा राज्य मैं तुम्हें सौंप दूंगा, निकलो बाहर। ऐसे छिप कर रहना कायरता है। स्वीकार लो दुर्योधन ये, हाँ, हार गए तुम हमसे, पराजय हुई तुम्हारी। बाहर निकल। दुर्योधन कृष्णा, जल समाधि ली थी मैंने, इसका अर्थ यह नहीं कि शक्ति सामर्थ्य नहीं है। सखा कर्ण के देह त्याग से आहत होकर वैराग्य लिया था मैंने। क्या कहा धर्मराज, तुम दुर्योधन को आधा राज्य देने वाले हो? जानता हूं यह मान्य नहीं होगा तुम्हें, पुनः अवसर देता हूं। क्रीड़ा द्यूत क्रीड़ा नहीं, युद्ध क्रीड़ा। हम पांचों भाइयों में से किसी एक से लड़ना होगा, यदि तुम जीत गए तो मेरा दांव ये समस्त राज्य एवं तुम्हारा अहंकार से मिला ये तुम्हारा स्वाभिमान। बोलो तैयार हो? तैयार हो, किंतु किसके साथ युद्ध करो? ये नकुल सहदेव से केवल एक मुष्टि प्रहार से, हाँ,
ये बालक दोनों, सौ सौ हाथियों के बल से मैं संपन्न हूं। इस बृहनला के साथ युद्ध करूं, मेरी गदा का अपमान होगा। एवं तुम दिखते तो क्षत्रिय जैसे हो, परंतु बिल्लियों के न्याय मंत्री जैसे लगते हो। तुम्हारे साथ युद्ध? एवं तू भक्षक, क्यों है योद्धा मेरे नाम में जानना है तुझे? दिखाता हूं तुझे मैं योद्धा, सदा योद्धा, गदा योद्धा। गदा का एक एक बार तेरे रक्त का स्वाद चखेगा। आलीडा, प्रत्यालीडा, समपाद, सहवैष्णवा, मंडलाग्रा, ऐसे पांच विविध स्थान में वामा, दक्षिणा, बाह्य, अभियंतर जैसे आस्पालन प्रहारों से विलंबिता, कुंठिता, अस्फोटिता, क्षिप्ता, उद्भ्रमिता, दिग्भ्रमिता, उचिता, विरुद्धा, अचित्य जैसे आठ आठ प्रहारों से तुझे चूर चूर कर दूंगा। Ah!
उसके प्राण उसकी जंघा में है। श्री कृष्णा, देवता हो, धर्म प्रतिष्ठापना हेतु तुमने जन्म लिया ना, यही है धर्म प्रतिष्ठापना। सर्वजनों के रक्त से सना भोजन, उस धर्म राज को परोसो तुम। ओ देखो मेरा प्रिय मित्र, सूर्य पुत्र के प्रतीक्षारत नेत्र मेरे स्वागत हेतु उत्सुक हैं। मित्र, हृदय मित्र, तुम्हें आलिंगन करने इन चरित्रहीन लोगों को छोड़कर तुम्हारे पास आ रहा हूं। तुम्हारे पास सुयोधन सार्वभौम सुस्वागतम। स्नेह का वर्णन है ऐसा, प्रार्थना जैसे देवों की। अमर है ये सदा सदा, जग में है ये असंभव। रणधीर वीर शूर ऐसे ये